पनामा लीक्स के मामले पर बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान सामने आया है। कहते हैं कि हमें एहतसाब के नाम पर कंगाल करने वाले पनामा केस पर क्यों रियायत दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो कहते थे कि बेनजीर के बच्चों को भीख मंगवाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर उनके जो चार मुतालबात हैं उन्हें तस्लीम किया जाए। एक बार फिर से आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं। उनका अब बयान सामने आया है कि हमें एहतसाब के नाम पर कंगाल करने वाले पनामा केस पर क्यों रियायत दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से बात करने के लिए लियाकत अंसारी। लियाकत अंसारी बताइएगा जी, बिलावल भुट्टो ने जो है एक सख्त रद्दअमल दिया है कि उनका कहना है कि आखिर इंसाफ का जो दोहरा मियार है ये क्यों कायम रखा जा रहा है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब एहतसाब का अमल जारी था तो बिलावल भुट्टो ने अपनी याददाश्तों को गवाह बनाते हुए कहा कि वो जब बच्चे थे तो उनकी वालदा को कहा जाता था कि उनकी वालदा को भीख मांगने के लिए सड़कों पर उन बच्चों के साथ लाया जाएगा। इस कदर सख्त एहतसाब का उस वक्त पैगाम दिया जाता था। लेकिन अब जब वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ मामला पनामा का आया है तो उसके बाद अब इंसाफ का वो मियाद नजर नहीं आ रहा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हुकूमत ने अगर उनके मुतालबा तस्लीम ना किए तो अब पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर होगी और इस एहतसाब के जो पनामा का जो एक केस है इसको इसमें मुलव्वस वजीर आजम नवाज शरीफ को एहतसाब के कटहरे में लाने के लिए भरपूर दबाव बढ़ाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी। एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे और यह अहम खबर यह है कि भारत की हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हाईजैक करने की कोशिशें